कल की रात मेरी जीत की रात होगी, तेरे लिए वो रात होगी जिसे तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। कल रात होगी हमारे मिलन की रात। परी, आज की रात बहुत स्पेशल है। आज अवार्ड के साथ साथ बहुत कुछ जीतने वाली हूँ पार्वती। आज कुछ भी हो जाए मुझे कोई हरा नहीं सकता। परिणीति सीरियल के आने वाले ट्रैक में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कहानी में अब तक हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर राजीव को जबरन जेल में डाल दिया था अंबिका ने, ये कहकर कि उनकी बेटी यानी कि पार्वती के साथ जबरदस्ती की उन्होंने। अब यहाँ पर ये बात जैसे ही हमारी पार्वती को पता चली तो उन्होंने बेल भी दिलवा दिया राजीव को। अब इसी के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर नीति और पार्वती की दोस्ती काफी वाकई अच्छी तरीके से दिखाई जा रही थी, अब वो बिल्कुल उल्टा हो गया, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से नीति जो है वो पूरी तरीके से अगेंस्ट हो गई है पार्वती के। और यहां पर नीति का साइको नेचर देखने को मिल रहा है, वो बेहद कंफ्यूज है कि पार्वती पर भरोसा किया जाए, वो पार्वती है या परी है वो खुद ही नहीं समझ पा रही कि वो चाहती क्या है, वो सोचती क्या है, वो समझना क्या चाहती है। और वो यही नहीं समझ पा रही कि उसे अच्छा ट्रीट करना चाहिए पार्वती के साथ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए या फिर उसे मार देना चाहिए। और इसी बीच कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इस बार राकेश पहुंच चुका है राजीव के घर पर राजीव की जान लेने के लिए। जी हाँ, राकेश इस बार बंदूक लेकर पहुंच चुका है राजीव के घर पर उसकी जान लेने के लिए, क्योंकि राजीव ने उसकी परी को छूने की कोशिश की, उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। और ये जानकर तो भाई वो बेहद गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आकर इस बार वो बंदूक लेकर पहुंच जाता है राजीव के घर पर। लेकिन यहाँ पर घर वाले इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए नजर आते हैं, और इस बार नीति और राकेश मिलकर इस सच्चाई का पता लगाने वाले हैं कि क्या सच में पार्वती ही परी है या फिर पार्वती पार्वती ही है। वेल, अब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले एपिसोड में कौन सी नई ट्विस्ट आएगी।